माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा, जबोंग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन हैंडबैग का हॉल वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं मिंत्रा का हैंडबैग्स का हॉल बनाऊ। तो फ्रेंड्स, मैं अगर हैंडबैग्स ऑर्डर दूंगी तो काफी टाइम लगेगा आने में, एंड मैंने कुछ हैंडबैग्स ऑर्डर दिए भी है तो वो आते सर आएंगे। बट मेरे पास कुछ पर्स पड़े हैं जो मैंने मिंत्रा से ही परचेस करे हैं, जबोंग से परचेस करे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेस करे हैं, तो वो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको उसमें से कोई चीज पसंद आई तो आप भी खरीद सकते हो। तो उस सारी चीजों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैं पहला पर्स आपको कौन सा दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो पहला पर्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है लिनो पेरोस के तरफ से। एंड फ्रेंड्स, ये इस तरीके का ब्लैक कलर का पर्स है, पीछे से ये ब्लैक है एंड आगे से जो है ये इस तरीके का गोल्डन है, बीच बीच में किया हुआ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो है पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ में इसको कैरी करते हो तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड ये अराउंड आपको 600 और 700 मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद। एंड इसकी एमआरपी प्राइस क्या है वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं इसको साल भर से यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा पर्स है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं आपको अंदर का दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है, ये कार्ड रखने के लिए कार्ड होल्डर है और यहाँ पे भी आप कार्ड्स रख सकते हो। एंड यहाँ पे जो है एक जिप चेन है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ओपन ही है, सॉरी। ओके, तो यहाँ में एक चेन है ये, एंड बहुत ही अच्छा पर्स है, क्यूट सा। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर आप अपना मोबाइल, जो स्मार्टफोन आता है, जो मेरे पास जो है वीवो V7, तो वो भी इसके अंदर में आराम से आ जाता है। तो आप अपना स्मार्टफोन भी इसके अंदर में डाल सकते हो। मैं भी अपने स्मार्टफोन को बैग के अंदर में ही डालती हूँ। तो आप इसके अंदर में फोन, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, अपने एटीएम कार्ड वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ आराम से डाल सकते हो। काफी अच्छा पर्स है एंड ये इस तरीके से बंद होता है। एंड जो है इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे इसका जो लुक है वो बहुत पसंद आया। एंड फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर होने की वजह से ये हर ड्रेस में, हर वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट में बहुत ही अच्छे से जाता है। आपने अगर कुर्ता लेगिंग्स पहना है या फिर कोई ड्रेस पहनी है या फिर जीन्स और टॉप पहना है तो भी ये आपके साथ में बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो पहला पर्स जो है वो ये है एंड ये मेरा फेवरेट वन है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पर्स कौन सा है मेरा। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पर्स है वो भी अगेन एलपी के तरफ से है, लिलो पेरोस। तो ये जो है ये इस तरीके का मरून कलर का पर्स है एंड इसको मैंने मिंत्रा से ही परचेस किया था। और जो ब्लैक वाला मैंने आपको दिखाया वो भी मैंने मिंत्रा से ही परचेस किया है और ये भी मैंने मिंत्रा से परचेस किया था। ये अराउंड 700 रुपीज का मुझे पड़ा था एंड ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप कोई भी फोटोज वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे आप कोई अपने जरूरी पेपर्स वगैरह डाल सकते हो, कार्ड वगैरह डाल सकते हो। एंड इसमें भी एक चेन दी गई है एंड इसके अंदर भी आप मोबाइल आराम से कैरी कर सकते हो, काफी अच्छा स्पेस है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप अपने कोई भी पेपर्स वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे आप अपना कार्ड वगैरह सब कुछ रख सकते हो, काफी सारे कार्ड होल्डर दिए गए हैं। एंड यहाँ पे कोई भी आप अपना जरूरी कोई रिसीद है या फिर कोई पेपर्स है वो आप आराम से कैरी कर सकते हो एंड मोबाइल भी कैरी कर सकते हो। यहाँ पे भी एक ये दिया गया है, अगर आप छोटा सा कोई कोम वगैरह रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। और काफी अच्छा है एंड काफी स्पेशियस है और काफी सारी चीजें आप इसके अंदर में कैरी कर सकते हो इतने छोटू से पर्स में। एंड मुझे ये काफी पसंद आया। एंड फ्रेंड्स, रेड कलर होने की वजह से ये डेली यूज के साथ साथ काफी अच्छा लुक देता है एंड ज्यादा, मतलब हर जगह आप इसको ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको ओनली पार्टी में यूज कर सकते हो, आप हर जगह इसको कैरी कर सकते हो। तो यस, मेरे पास एक ये पर्स है। तो चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्या दिखाने वाला है। वो है एक सिजलिंग बैग एंड ये मैंने लिया है अमेजोन से। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो सिजलिंग बैग है ये कुछ इस तरीके की है एंड ये अराउंड 500 से कम के अंदर, 500 के अंदर आ जाती है। एंड ये वाली जो बैग है ये कुछ इस तरीके की है। बैक साइड में इसकी चेन दिया गया है, आप इसके अंदर में अपने सिक्के वगैरह या हेडफोन्स वगैरह कुछ भी रख सकते हो। एंड जो अंदर का कंपार्टमेंट है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो बैग है फ्रेंड्स काफी अच्छा है, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उस दौरान आप इस बैग को अपने पास रख सकते हो। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर में पावर बैंक, चार्जर और अपने लिपस्टिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें रख सकते हो। ये काफी स्पेशियस है एंड एक ये रहा एक कंपार्टमेंट। एंड
एंड ये रहा इसका सेकंड कंपार्टमेंट, काफी स्पेशियस है। आप इसके अंदर अपना मोबाइल फोन, मेमोरी सॉरी पावर बैंक, चार्जर, हेडफोन्स, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ कैरी कर सकते हो। ये काफी अच्छे से आपका जो लोड है सामान का वो अच्छे से उठाता है। इसके अंदर में भी एक चेन दिया गया है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, ये जो चेन है ये अंदर के दिया गया है। इसके अंदर आप थोड़े बहुत पैसे वगैरह रख सकते हो अपना, एंड आप इसको आराम से अपने गले में डाल के कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से आप कैरी कर सकते हो, जिससे कि कहीं छूटने का डर नहीं होता, कोई आपके हाथ से छीन के ले जाए उसका भी डर नहीं रहता। तो ये वाला जो है कन्वीनियंट होता है, एंड आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो यहाँ से। और मैंने इसे पूरा बड़ा किया हुआ है क्योंकि मेरी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मुझे लंबा चाहिए होता है। तो या ये एक सिजलिंग बैग है एंड काफी कैजुअल है। अगर आप डेली वेयर के लिए कोई सिजलिंग बैग लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप ये वाला ले सकते हो, काफी स्पेशियस है एंड इसके अंदर काफी सारी चीजें आराम से आ जाती है। दिखाने जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये वाली जो पर्स है ये मैंने ली थी स्नैपडील से, काफी टाइम पहले ली थी मैंने, एंड इसको मैंने कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाली जो बैग है कुछ इस तरीके की, ये पार्टी वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर में कोई स्पेस नहीं होता है, तो इसके अंदर में जस्ट एक चेन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा ये जस्ट एक चेन है, एंड अंदर में ये बस एक खाली कंपार्टमेंट है और कुछ नहीं होता। ये चीज चेन है, इसके अंदर में आप अपने थोड़े बहुत पैसे वगैरह लेके जा सकते हो अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो। वैसे इसको मैंने ज्यादा यूज तो नहीं किया है, बट हाँ अगर आप पार्टी के लिए अगर आप कुछ पर्स लेना चाहते हो तो आप इस टाइप का पर्स ले सकते हो। अमेजोन में इस टाइप के पर्स अवेलेबल है। तो सेम इसी कलर का मुझे नहीं मिला लिंक, मैंने इसको स्नैपडील से परचेस किया था एक्चुअली, तो इसका मुझे लिंक नहीं मिला, बट इसके इसी टाइप के एक रेड कलर के पर्स का लिंक मिला था, तो मैं वो वाला लिंक आपको मेंशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इसका जो मटेरियल है वो काफी अच्छा है, काफी शाइनी लगता है, आप देख सकते हैं। अगर आप पार्टी पर्पस के लिए ओनली खरीदना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, बाकी अगर नहीं लेना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हो इस तरीके का। इसके अंदर चेन दिया गया है, इसे आप साइड में ले जा सकते हो, इसको कैरी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके के पर्स पसंद है तो आप ले सकते हो। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट कौन सा पर्स है। वो है डायना कोर का पर्स है, एंड ये इस तरीके का रेड पर्स है। इसको मैंने अपने एक हॉल में शेयर किया हुआ है, एंड इसको मैंने जबोंग से परचेस किया था। तो ये इस तरीके का, इसको हैंड्स को लॉक करने के लिए इस तरीके का है। एंड फ्रेंड्स ये वाला जो पर्स है ये भी काफी अच्छा है, काफी बड़ा पर्स है। इसके बैक साइड में इस तरीके की चेन दी गई है, एंड फ्रंट साइड में ये डायना कोर का एक टैग लटक रहा है, एंड ये इस तरीके के टेसल्स है इसके हैंडल पे जो कि इसको काफी स्टाइलिश बनाते हैं। और इसका अंदर का कंपार्टमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, काफी बड़ा है, काफी स्पेशियस है, आप आराम से अपनी चीजें ले जा सकते हो ट्रेवलिंग के दौरान। और अगर आप वर्किंग वुमेन है तो भी आप इस पर्स को कैरी कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करती हूँ तो मेरे पास हैंड पर्स इतने ज्यादा नहीं है, मैं ट्रेवलिंग पर्पस के लिए ही पर्स खरीदती हूँ। इसको भी मैंने ट्रेवलिंग पर्पस के लिए ही खरीदा है क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे काफी ज्यादा ट्रेवलिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर में ये एक चेन दी गई है जिसके अंदर आप अपने पैसे रख सकते हो, और यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है, इसके अंदर में भी आप अपने कोई भी चीज रख सकते हो, चाहो तो आप मेकअप का सामान रख सकते हो, एंड बाहर में जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर में भी आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो। तो यस ये वाला पर्स है, एंड ये वाला जो पर्स है आपको जबोंग एंड मिंत्रा दोनों जगह पे मिल जाएगा, और सारी लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी। जो लास्ट हमारा पर्स है वो पर्स मैंने आपको कल परसों के ही हॉल वीडियो में दिखाया था। तो ये इस तरीके का ब्लैक पर्स है, एंड ये हॉस्टेलो का पर्स है, एंड ये अराउंड 650 रुपीज का है। तो ये वाला पर्स भी काफी अच्छा है डेली वेयर के लिए, डेली यूज के लिए काफी अच्छा है। इसके बैक साइड में एक चेन दी गई है जिसको आप अपने कॉइन्स या हेडफोन वगैरह रखने के लिए यूज कर सकते हो, एंड इसमें जो है दो कंपार्टमेंट है, एंड ये भी काफी स्पेशियस है। आप अगर ट्रेवलिंग करते हो तो आप इस बैग को परचेस कर सकते हो, काफी अच्छा बैग है ये, दोनों कंपार्टमेंट में काफी अच्छी स्पेस है, आप कोई भी अपनी चीजें वगैरह कैरी कर सकते हो इसमें। सो दोस्तों मेरे पास इतने ही बैग्स है, पर्स, क्लचेस और सिजलिंग बैग मिला के मेरे पास इतने ही बैग्स अभी थे। तो ये मेरा कलेक्शन वीडियो समझ लीजिए आप। तो फ्रेंड्स जो मेरे पास में था मिंत्रा, जबोंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से लिया हुआ, वो हॉल मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद आई है बेझिझक आप खरीद सकते हो, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे इतना मैं बोल सकती हूँ।
और मैंने जो ऑर्डर दिया है, जो नई मैंने परचेस करी है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में जरूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको वाला वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।